तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों इस वीडियो पर हम फिन निफ्टी का एनालाइज करेंगे कि मंडे को यानी कि 24 अप्रैल को फिन निफ्टी कैसा हो सकता है, कौन कौन से हमारे बाइंग और सेलिंग लेवल होंगे जिन पर दोस्तों आप अपने छोटे सेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, और एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों ये हमारा फिन निफ्टी का देखिए डेली चार्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जो ये ऊपर से दोस्तों ट्रेंड लाइन जो आया था उसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों आप एक एक बात को बहुत अच्छे समझिए कैसे मार्केट काम करता है, आपको मैं समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से लेंगे, अगर हम इस वाले यहाँ से लेंगे तो देखिए मार्केट लगभग दोस्तों 8% यानी 1400 पॉइंट से अधिक का दोस्तों इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोस्तों ये बढ़ चुका है। तो दोस्तों आप एक बात को आप समझिए मार्केट कैसे काम करता है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा और ट्रेडिंग लेवल भी आपको मैं दूंगा। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं दोस्तों जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं वो लोग दोस्तों देखिए यहाँ से भी बाय किए हैं, यहाँ से भी बाय किए हैं, और उनको दोस्तों अभी उनका दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पर दोस्तों चल रहा है। तो ये वाले जो बायर हैं दोस्तों इनको अभी कोई भी डर नहीं है, ये बात एक ठो आपका मैं क्लियर हो गया है कि जो नीचे से बाय करके गए हैं दोस्तों जहाँ तक ऊपर में मतलब मार्केट चढ़ा है, तो जो नीचे में जो बाय किए हैं दोस्तों उनको अभी कोई भी डर नहीं है। अब दोस्तों मेन आपका काम होगा दोस्तों इस नए वाले चार्ट पर, तो उसके लिए आपको दोस्तों मैं इसको 30 मिनट में लगाता हूँ, 30 मिनट में। तो देखिए मैंने दोस्तों इस चार्ट को 30 मिनट टाइम फ्रेम पर लगा लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने कह दिया है कि जो नीचे में बाय करके बैठे हैं उनको दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, उनको भी कोई भी डर नहीं है। अब डरेंगे दोस्तों यहाँ पर जो नए पोजीशन बने हैं ना वो लोग डरेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जब गैप अप हुआ था ना आपको दोस्तों देखिए, जब दोस्तों मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप दिया था तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आया। तो दोस्तों जो नीचे बाय किए हैं उन्होंने दोस्तों अपना कुछ ना कुछ क्वांटिटी मतलब आधा से अधिक मतलब 75% क्वांटिटी दोस्तों उन्होंने यहाँ पर अपना बुक कर लिया होगा। तो जो भी 25% बचा होगा उसका एसएल दोस्तों इसी लेवल के कुछ नीचे में मतलब थोड़ा बहुत लगा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बात समझिए कि दोस्तों यहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो मार्केट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर से ऊपर गया। दोस्तों देखिए अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, अभी मार्केट चल रहा है टॉप पर, तो हर टॉप पर दोस्तों सेलिंग पोजिशन नए नए बनते हैं, हर टॉप पर सेलिंग पोजिशन नए नए बनते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर भी सेलिंग पोजिशन बना होगा, यहाँ पर भी सेलिंग पोजीशन बना होगा, यहाँ पर भी बना होगा और यहाँ पर भी बना होगा। लेकिन दोस्तों देखिए जो बाइंग पोजीशन था दोस्तों वो इस लेवल, देखिए अभी मार्केट क्या कर रहा था, ये 17 तारीख 18 19 ये 20 21 मतलब 17 तारीख से लेकर के ये 21 22 तारीख तक दोस्तों मार्केट जो है वो इस रेंज पर देखिए था, इस रेंज से नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही दोस्तों इस रेंज का देखिए ब्रेकडाउन हुआ, जैसे इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ दोस्तों जो छोटे मोटे बायर्स रहे होंगे जो यहाँ पर बाय किए होंगे, कहीं यहाँ पर भी बाय किए होंगे, जो भी दोस्तों छोटे मोटे बायर्स रहे होंगे उनका दोस्तों इस लेवल के ब्रेकडाउन पर यहाँ पर दोस्तों वो लोग भी अपना एग्जिट कर दिए होंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस लेवल का देखिए ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जब नीचे आया तो यहाँ से बायर्स ने फिर से अपना पोजिशन बना के यहाँ पर इसको मार्केट को फिर से ऊपर लेकर के यहाँ पर गए, और यहाँ पर देखिए एक ठो हैमर कैंडल भी दोस्तों बना है। तो दोस्तों देखिए इससे पहले ये रेंज बना था तो रेंज का दोस्तों दिखाने के लिए यहाँ पर ब्रेकडाउन भी हो सकता है, जैसे कि अभी देखिए कुछ दिन हाल ही में दोस्तों लगभग आपको मैं बताऊं कि मार्च में जब बहुत बड़ा ग्राउट हुआ था दोस्तों उस समय पर ऐसा ही एक तो रेंज बना था और रेंज का दोस्तों ब्रेकआउट हुआ था मतलब ऊपर में दिखाने के लिए, उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था। वैसे ही दोस्तों अगर इस बार हो सकता है कि इस रेंज का जो ये नीचे में ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों ये भी दिखाने के लिए हो सकता है, और यहाँ से दोस्तों देखिए मार्केट फिर से ऊपर चढ़ गया है और यहाँ से दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ऊपर भी ये जा सकता है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों आपको सेलिंग करना है ना तो आपको मैं वो लेवल पहले आप अपने चार्ट पर ये लेवल दोस्तों लगा लीजिएगा। देखिए पहला लेवल है दोस्तों ये हमारा 18735 का लेवल, इसको आप अपने चार्ट पर लगाइए इसे हॉरिजॉन्टल जैसे मैंने लगाया हुआ है। दूसरा लेवल है दोस्तों 18793 का लेवल, और तीसरा जो लेवल है दोस्तों ये हमारा लेवल है 18846 का लेवल, ये लेवल आप अपने चार्ट पर लगाइए दोस्तों। और एक लेवल और लगा सकते हैं जो कि है हमारा ये वाला लो का लेवल है, इसको भी मैं लगा देता हूँ। देखिए एक हमारे यहाँ पर भी लेवल बनेगा जो ये हमारा लो है, जहाँ तक ये हैमर कैंडल का जो लो बना है दोस्तों ना, एक मिनट देखिए यहाँ पर मैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, देखिए ये मैंने ड्रा कर दिया, देख लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक तो इस लो पर भी अपना हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए अब यहाँ पर आप ट्रेड कैसे करेंगे,
तो देखिए दोस्तों, आप अपने लेवल पर ही ट्रेड लेंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद देखिए ये इस लेवल के ऊपर जाता है, तो ऐसे आप दोस्तों बीच पर मत घुसिएगा। जब इस लेवल से फिर से जब नीचे आएगा दोस्तों ना, तो जब इस लेवल पर आएगा तो यहीं पर दोस्तों आप फिर से ट्रेड लेंगे अपने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ताकि आपको पता रहेगा कि जब मैंने इस लेवल पर लिया है तो मेरा स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ से कुछ जीरो। मैं आपको अपना स्टॉप लॉस बताऊँ दोस्तों, तो मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो होता है दोस्तों वो इंडेक्स का 0.25% होता है, मतलब 0.25%। देखिए अगर 0.25% लेंगे तो ये आपका आता है इंडेक्स का 46 पॉइंट आता है। तो वैसे दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस ऐसे ही होता है, लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो कभी कभी छोटा भी कर देता हूँ अपने सिचुएशन के अनुसार। तो लेकिन मैक्सिमम जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो 0.25% ही होता है। देखिए अगर आप इस लेवल पर ट्रेड लेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपका 0.25% कुछ यहाँ पर 50 पॉइंट इंडेक्स का आएगा, और आपका जो स्टॉप लॉस आपका जो टारगेट होगा दोस्तों उसी का डबल, मतलब 100 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए इस लेवल पर होगा है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर खुलता है, तो इस लेवल के बाद जब रिटेस्ट करने आए तो यहाँ पर एंट्री लीजिएगा लेवल पर अपने। अगर मान लीजिए कि इस यहाँ पर खुलता है, इस लेवल मतलब इस गैप में खुलता है, और खुलने के बाद देखिए ऊपर जाता है, तो आप बीच में एंट्री मत लीजिएगा। जब इसका पूरा ब्रेकआउट होगा दोस्तों, तो जब फिर से रिटेस्ट करने आएगा ना, तो अपने इस लेवल पर दोस्तों आप ट्रेड लेंगे। जो अपना लेवल है उसी लेवल पर हम ट्रेड लेंगे अपने सही स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों आप इसी लेवल पर ट्रेड लेंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों कि इस गैप पर मार्केट ओपन होता है, देखिए अगर आपको मैं बताऊं तो मैक एंड ब्रेक लेवल है दोस्तों हमारा जो है वो ये वाला लेवल है दोस्तों, ये वाला लेवल 18,446 का लेवल हमारा मैक एंड ब्रेक लेवल है। अगर दोस्तों आप इस लेवल पर ट्रेड लेंगे ना, तो जब दोस्तों इस लेवल का मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद जब ये इसका रिटेस्ट होगा ना दोस्तों, तभी आप सिर्फ इसी लेवल पर ट्रेड लीजिएगा। ये लेवल हम दोस्तों इतने काम करेंगे ना कि अगर आपका ट्रेड सही होगा तो इस लेवल से एक पॉइंट नीचे भी नहीं आएगा दोस्तों, आपका ट्रेड अगर सही होगा तो। दोस्तों अपने लेवल पर ही हमेशा ट्रेड कीजिएगा। तो अभी तो दोस्तों मेरे को ये लग रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर साइड ही जा सकता है, बाकी अगर नीचे आने का होगा दोस्तों तो नीचे में आप इस लेवल के नीचे ही ट्रेड अपना नीचे साइड में बनाएंगे। अगर 18,675 का ब्रेकडाउन मान लीजिए हो जाता है, कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, और ओपन होने के बाद मान लीजिए कि इस 18,675 लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ब्रेकडाउन आप होने दीजिएगा दोस्तों। और ब्रेकडाउन होने के बाद दोस्तों जब उसका फिर से रिटेस्ट करने जब उस लेवल पर जाएगा ना, तो इस लेवल पर जब रिटेस्ट में आप एंट्री लेंगे और यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहाँ से आपका इधर अगर आना होगा तो नीचे साइड पर वो आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसा हमारा मतलब ट्रेड लेवल होते हैं जिस पर हम एंट्री और एग्जिट करते हैं। और अगर दोस्तों देखिए अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आता है ना, तो बहुत नीचे आ सकता है, तो आप अपने टारगेट को कभी लिमिट मत कीजिए। बस अपना SL जो है वो उसको आप अपना फिक्स करके रखिए कि मेरा इतना लॉस होगा। और मैंने आपको कहा दोस्तों कि वो इंडेक्स का 0.25%, अगर आपका फिन निफ्टी है तो लगभग 50 पॉइंट आपका SL होना चाहिए इंडेक्स का, अगर आपका बैंक निफ्टी है तो लगभग 100 पॉइंट का आपका SL होना चाहिए इंडेक्स में, और 100 पॉइंट का उसमें प्रीमियम जो भी आपका कम होगा वही आपका मतलब SL होगा। और दोस्तों अगर हम टारगेट की बात करें तो दोस्तों देखिए टारगेट हमारा होगा दोस्तों 18,850 के बाद अगर हमारा टारगेट देखें दोस्तों, देखिए तो हमारा टारगेट जो निकल के आता है दोस्तों वो हमारा 19,000 का लेवल निकल के आता है। तो देखिए अगर आप अपना आपका ट्रेड अगर चल रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप जहाँ तक जाए वहाँ तक आप जाने दीजिएगा अपने एक छोटे टारगेट सेट करके दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा। एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो नीचे मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उसके टाइमिंग अनुसार आप मेरे से बात कर सकते हैं दोस्तों। तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।